स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. ओके, आपको कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन स्टडी करना है. काफ़ी ब्रॉड वे में आपको ये स्टडी करना है. तीन तरह से आपको क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है. सबसे पहला है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम. सेकेंड है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. और जो लास्ट है आपका टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज. ओके, ये तीन बेसिस ऐसे हैं जिनके बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन कोलॉइड्स का स्टडी करना है. लेकिन आज हम केवल एक ही स्टडी करेंगे, वो है हमारा बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट of dispersed phase and dispersion medium. ओके, ये हमारा फर्स्ट टाइप है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको. यहाँ पर सबसे पहले हम एक सीरीज बनाएंगे डिस्पर्जन फेज की, दूसरी सीरीज बनाएंगे मीडियम की. चलिए बनाते हैं. सबसे पहली सीरीज डिस्पर्स्ड फेज. ओके, नेक्स्ट सीरीज होगी डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग हम इस पर्टिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं वो हमारा यहाँ पर लिखना है. ओके, चलिए. तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही है ना कि डिस्पर्जन मीडियम और फेस क्या होता है. सपोज़ एक बार आप देख लीजिए, सपोज़ कि आपके पास ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक ग्लास में पानी है, इसमें आपने जेलेटिन डिसॉल्व कर दिया है. तो जो जेलेटिन है वो डिस्पर्स्ड फेस है और वाटर हमारा क्या है, डिस्पर्स मीडियम है. ओके, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बस उसी से कंपेयर कर लीजिए. जो सॉल्वेंट है हमारा वो क्या है, मीडियम है, सॉल्यूट हमारा डिस्पर्स्ड फेज है. ओके, तो सबसे पहला डिस्पर्स्ड फेज जो हमारा है वो है सॉलिड. ओके, मीडियम भी यहाँ पर हमारा क्या है, सॉलिड. नेक्स्ट डिस्पर्स्ड फेज वापस हमारा क्या है, सॉलिड, और वापस फिर ये क्या है, सॉलिड. इस बारी मीडियम हमारा क्या है, लिक्विड, और थर्ड में मीडियम हमारा क्या है, गैस. तो ये तीन सेट बनते हैं जब डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है. तो मीडियम एक बार सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है. अगर सॉलिड हमारा डिस्पर्जन मीडियम है और फेज भी हमारी क्या है, सॉलिड है, तो इसको हम नाम देते हैं सॉलिड सॉल का. क्या नाम देते हैं, सॉलिड सॉल का. तो सॉलिड सॉल अगर कहीं पर भी लिखा हुआ आपको मिल जाए तो आप ऑटोमेटिक समझ लेना कि यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों ही क्या है, सॉलिड स्टेट में है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है जेम स्टोन्स का, ठीक है. जेम स्टोन्स जो रत्न वगैरह पहने जाते हैं, जैसे कि नीलम है, रूबी है, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा कलर्ड ग्लास में आ जाइए, जैसे आपने बहुत घरों में देखा होगा कि कांच के शीशे लगे होते हैं तो कहीं ग्रीन होते हैं, तो कहीं येल्लो होते हैं, तो कहीं ब्लू होते हैं, तो कलर्ड ग्लास भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा फेस क्या हो, सॉलिड हो, और मीडियम हमारा क्या हो, लिक्विड हो. और ये काफ़ी कॉमन है, ठीक है. जैसे कि आप इंक ही ले लो, इंक को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो ये क्या, सॉरी, जो इंक है आपकी जो बनी हुई होती है, इसमें क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और मीडियम हमारा कैसा होता है, लिक्विड होता है. ओके, इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका पेंट का है. आप पेंट में भी सेम कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो. यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो लिक्विड हो, सॉरी सॉलिड होता है, और मीडियम कैसा होता है, लिक्विड होता है. और इसे हम जिस कॉमन नेम के थ्रू जानते हैं वो कॉमन नेम हमारा होता है सॉल, ठीक है. तो जब फेज हमारा सॉलिड हो, मीडियम भी हमारा सॉलिड हो, तो उसको हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल.
लेकिन अगर कहीं केवल सॉल लिखा हुआ है, सॉलिड सॉल नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है। ठीक है, हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस हमारा क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम हमारी क्या है, गैस है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है डस्ट। ओके, डस्ट स्मोक भी आप ले सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपने देखा होगा जब हवाएं चलती हैं, यानी एयर यानी गैस, मीडियम हमारा कैसा हो गया, गैसियस हो गया, उसमें डस्ट के पार्टिकल्स उठते हैं। तो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसको किस कॉमन नेम से हम जानते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एरोसॉल। और ये टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, एरोसॉल। अगर कहीं पर भी एरोसॉल लिखा हुआ है तो फिर आपको ये बताना ना पड़े कि वहाँ पे मीडियम और फेस क्या है। अगर एरोसॉल कहीं भी लिखा हुआ है तो इट मींस वहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है, और फेस क्या है, सॉलिड है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, फिर वापस हम तीन सेट बनाते हैं, डिस्पर्स फेस का लिक्विड, वापस क्या है, लिक्विड। नाउ थर्ड वन इज ऑल्सो लिक्विड। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे मीडियम क्या होने वाला है। सबसे पहले होगा सॉलिड, फिर लिक्विड, उसके बाद वापस क्या होगा, ये गैस। ओके, अब इनके कॉमन नेम क्या होंगे, अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है, डिस्पर्स फेस हमारा क्या हो, लिक्विड हो, तो इसको किस कॉमन नेम से हम जानते हैं, वो सबसे कॉमन है, जेल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जेल है। ठीक है, तो कहीं पर भी ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको लिखी हुई मिल जाए तो आप समझ लेना कि डिस्पर्जन मीडियम वहाँ पे क्या है, सॉलिड है, और जो फेज है हमारा वो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है, बटर।